मैं रेणु के खास गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 26 जनवरी शुक्रवार को जिले भर में देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों के साथ कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर शीति सिंघल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम में परेड द्वारा मार्च पास्ट और हर्ष फायर प्रदर्शन के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। इसी तरह शासकीय विभागों द्वारा झांकियों के माध्यम से उनके विभाग अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण भी कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा किया गया। नगर के सभी चौक चौराहों पर देशभक्ति गीतों की धुन सुनाई दी। वहीं सामाजिक संस्था न्यू पहल के मेंबरों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अस्पताल और वृद्ध आश्रम में पहुंचकर गर्म कपड़े एवं मिठाइयों का वितरण किया गया। सिवनी से राजकुमार पांडे की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की ये जानकारी। आगे लाइए। और इसके बाद और इतनी खूबसूरत झांकियां बनाने में बहुत समय लगता है। दर्शकों से अनुरोध है तालियों से विभागीय कर्मचारियों की मेहनत का उत्साह वर्धन करें। ये आप देख रही हैं स्कूटी में नमो ड्रोन सखी, ये आत्मनिर्भर नारी 13 लक्ष महान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत सिवनी की यह झांकी। ये 5 टाइटल पर है, अभी आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार नमो ड्रोन सखी का चयन सिवनी जिले में किया गया है। इंदौर में प्रशिक्षण और खेती का ये काम करती है। पर्यावरण सखी स्मार्ट बैंक पीसी सखी आजीवन दीदी कैफे। अगली झांकी बेटियां सौभाग्य, ये झांकी है महिला बाल विभाग सिवनी की। और इस झांकी में हम देखें 782 गांव में एकल नल जल योजनाओं के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं और 752 गांव में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी तरह जिले के कुल 1577 ग्रामों में लगभग 86,09,748 परिवार निवास करते हैं। Thank you.
Thank you.